कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का धान की खरीद पर क्रय केंद्रों का रियलिटी चेक। उत्तर प्रदेश के इस समय किसान की धान के फसल विक्रय हेतु तमाम क्रय केंद्र खोले गए, जिस पर एमएसपी पर किसान अपने धान को बेच सके, किंतु इसके बावजूद तमाम जिलों में उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रहा। ऐसे में 10 से 12 रुपए किलो तक के बीच धान की फसल बेचने के लिए मजबूर, जिसको लेकर आज अमेठी जनपद में कांग्रेस पार्टी के एमएलसी व विनिमन समीक्षा समिति विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति दीपक सिंह के द्वारा जिले के विभिन्न क्रय केंद्रों पर पहुंचकर रियल्टी चेक किया गया, जिसमें उन्होंने भादर ब्लॉक के घोराहा क्रय केंद्र भारी अनियमितताओं के दृष्टिगत उसकी शिकायत एसडीएम अमेठी से की, जिस पर एसडीएम अमेठी ने मौके पर जाकर अव्यवस्थाओं को दूर किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एमएलसी दीपक सिंह ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में मेरे द्वारा जाफरगंज, भादर और अमेठी में निरीक्षण किया गया। नोट नहीं कराए आपके? सब कुछ है साहब, वहाँ खुलता ही नहीं, किससे मिले? भादर को घोरा वाले ना? नहीं साहब, हम लोग वहाँ खड़क हुए हैं खासकर वाले। नोट तो सब करेक्ट तैयार है, लेकिन जो ना कब नवंबर दिसंबर नंबर है ना देंगे, सब बताए जनों बैकलॉग हो गया आपका, तो इसमें कैसे इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें डेट लिखी नहीं गई आप? इसमें सब पूरी डेट है, आप ये संपर्क दिनांक है भैया, और ये संभावित क्रय तिथि है, ये कोई शादी तौर का दिनांक, शादी वाला, शादी का पता नहीं बेचा है उन्होंने कहीं, लेकिन मैंने पहले लगाया होगा, एक आध दो में मैंने बाद में लिखना शुरू किया। अभी हुआ आपके द्वारा धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया गया और क्या पाया गया? देखिए, निरीक्षण क्रम में ये पहले जाफरगंज, आज भादर, अमेठी अभी कर रहे हैं। इसमें एक मेरी मंशा है कि किसानों के साथ जनप्रतिनिधि खड़ा होना चाहिए। आम शिकायतें मिलती हैं, किसानों को दौड़ाया जाता है, उनके भुगतान में दिक्कत आती है, रजिस्ट्रेशन दिक्कत आती है। एक पहल चलाई गई है, एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज माध्यम से किसानों की जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण करने की हमारे यहाँ से उसकी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के लोगों की तरफ से वो कोशिश है, अगर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर निस्तारण होता है होता है, अन्यथा इसे शासन के अधिकारियों को पत्र के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से उनसे संवाद स्थापित कर, यदि किसी क्रय सेंटर पर किसानों के साथ जाति होती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखेंगे। अगर उसके बाद भी किसानों को सहायता नहीं मिलती है, जो मनसा है, शासनादेश है, उसके हिसाब से काश्तकारों के, किसानों की खरीद नहीं होती है, तो सदन में उठाऊंगा। अगर कोई दोषी है, किसानों की खरीद में दोषी है, रजिस्ट्रेशन में दोषी है, या उन्हें दौड़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सदन से लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए, या उनके खिलाफ किसी इस तरह के जो उन्होंने ढिलाई बरती है उस पर पूरी कोशिश है। मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं खुद उपस्थित होकर सेंटरों पर किसानों से मिलूं, उनके बारे में जानूं, क्योंकि वहां पर उनकी स्थितियां ठीक समझ में आती हैं, कैसा चल रहा है, खरीद हो रही नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं के अच्छे परिणाम हैं, कहीं कहीं के बहुत ख़राब परिणाम हैं। भादर के जो रिजल्ट थे खरीद के अच्छे नहीं थे, उनके खिलाफ मैंने लिखा पढ़ी की है और शासन के अधिकारियों को, जनपद के अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, और जहां गड़बड़ियां होंगी सदन में उठाऊंगा। सरकार के द्वारा इतना क्रय केंद्र खोलने के बावजूद तमाम किसानों के जो है स्थानीय व्यापारियों को अपना औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? दुखद है जिस तरह से सामने चीज़ें आ रही हैं, जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से किसान भाषणों में कुछ और दिखता है, खरीद नहीं हो पाती है। कई सारे किसान 800, 900, 1000 तक में खरीद रहा है, जबकि सरकार की तरफ से खरीद के कुछ और मूल्य हैं, तो लगता है किसान कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। अधिकांश किसान मंडियों में जाके, व्यापारियों को जाके अपने अनाज को बेच रहा है, इसलिए एक पहल मात्र है कि किसानों को उनकी जो उपज है उसका सही मूल्य मिले, समय से मूल्य मिले, उनको बिना परेशानी के मूल्य मिले, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग और मैं स्वयं किसानों के साथ हूँ, क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उम्मीद है अगर अच्छे परिणाम आएंगे तो आएंगे, नहीं इन मुद्दों को अधिकारियों के दफ्तरों से लेकर सदन तक मामले को उठाया जाएगा।